अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ कढ़ाई चिकन। कढ़ाई चिकन के लिए मैंने ली हूँ 1.25 किलो चिकन, 750 ग्राम चिकन, और इसको 2-3 पानी से धोकर रख लेंगे। और इसके लिए मैं मसाला में ली हूँ 2 टीस्पून जीरा है, 2 टीस्पून धनिया है, और 1/2 टीस्पून काली मिर्ची, 4 सूखी मिर्ची है, 1 टीस्पून सौंफ है, थोड़ी सी दालचीनी है, 1/2 टीस्पून है शाहजीरा, 6-7 हरी इलायची है। अब क्या करेंगे, हम पैन में डालकर इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब उसको ठंडा होने के बाद इसका पाउडर पीस लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये इसका पाउडर बना लेंगे। और 4 मीडियम साइज टमाटर है, इसकी प्यूरी बना लेंगे। और 3 मीडियम साइज का प्याज है, इसको बारीक चॉप कर लेंगे। और 100 ग्राम गाढ़ा दही है, इसको फेंट लेंगे। हम प्रिपरेशन करें, जब तक हम चिकन को इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। इसमें थोड़ा इसको मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून मिर्ची, 1/2 टीस्पून हल्दी। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो थोड़ा सा इस क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप फीका खाना चाह रहे हैं तो जो मैं बताई उस क्वांटिटी को आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब जो प्रिपरेशन करना है, टमाटर की प्यूरी कल बना लेना है ग्राइंड करके, और प्याज को चॉप करना है, जो दूसरे काम है, जब तक हम इसको चिकन को मैरिनेट करके इसमें छोड़ देंगे एक 15-20 मिनट के आस्ते। तो चिकन अच्छा सा अंदर नमक मिर्च इसके अच्छा पहुँचती, फिक्का फिक्का नहीं रहता। चलिए सारी चीज़ें मैं तैयार कर ली। टमाटर की प्यूरी निकाल ली, और जो मसाले ड्राई बताई थी उसका पाउडर बना ली, प्याज को चॉप कर ली, और दही को फेंट ली। और कढ़ाई चिकन में ये हल्का सा फ्राई करके ऊपर सर्व करते वक्त डालते। ये शिमला मिर्ची, 2 शिमला मिर्ची क्यूब्स की शक्ल में कट कर ली, और 2 छोटे प्याज को भी क्यूब्स की शक्ल में कट कर ली। और मैं किस तरह कट करते बताने के लिए आधी प्याज रखी। इसको छिलका निकालने के बाद खड़ी कट कर देना 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों में करने के बाद फिर इसको और 2 हिस्सों में कर लेना। उसके बाद इसके लेयर्स को खोल लेना। इस तरह से क्यूब्स कट कर दे। एक बर्तन रख दी। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्ची और प्याज, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे, उसको ज़्यादा फ्राई करना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा ट्रांसपेरेंट होना प्याज। एक 2-3 मिनट इसको काफ़ी है। इसको ढाप कर पकाना नहीं है, बिल्कुल मैं पानी के छींटे उछलते बिल्कुल डालने के वक्त थोड़ा सा ढापी थी कुछ सेकंडों के लिए, फिर निकाल दी। इसको खुला ही फ्राई करना है तेज फ्लेम पे, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। अब इसमें चॉप की हुई प्याज, अब इसको फ्राई कर लेंगे, तेज फ्लेम पे पकाएंगे। ये इसका कच्चापन जाना और ये सॉफ्ट होना, जब तक इसको फ्राई करेंगे। प्याज का कच्चापन चले गया और प्याज सॉफ्ट होना शुरू हो गई। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और इसका भी कच्चापन जाना, ये हल्का सा ब्राउन होना, जब तक इसको तेज फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन चले गया, अब इसमें चिकन डालेंगे। चिकन डालने के बाद इसका अब इसको 4-5 मिनट तेज फ्लेम पे भून लेंगे, इसका कच्चापन जाना, नमक मिर्ची जो डाले हम उसका। 4-5 मिनट में तेज फ्लेम पे अच्छे से भून ली। अब इसमें टमाटरों की प्यूरी डालेंगे। टमाटरों की प्यूरी डालने के बाद इसको एक बार मिला लेंगे, साथ में दही भी डाल लेंगे। एक बार इसको टमाटर की प्यूरी और दही को अच्छे मिला लेंगे। अच्छा मिला लेने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए तेज फ्लेम पर ढाक देंगे, और बीच बीच में 1 से 2 बार मिलाएंगे।
10 से 15 मिनट में इसको तेज़ फ्लेम पे पका लिए। 10-15 मिनट हो गए और इसमें थोड़ा सा ग्रेवी है, थोड़ा सा पानी है, थोड़ा ये लूज़ है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो मसाले पीस के रखे थे वो मैंने डाले दम पे डालने के लिए। दम पे ये मसाले डाल देंगे, जो ड्राई पाउडर हम बना के रखे थे वो डाल देंगे और इसको अच्छा मिला लेंगे। एक बार अच्छा मिलाने के बाद फ्लेम को हम धीमा कर देंगे। फ्लेम को धीमा करके 15 मिनट के लिए धीमे फ्लेम पे इसको कवर करके छोड़ देंगे। थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा पानी डालेंगे। पानी क्या है, थोड़ा है सूख जाता, जो हम ड्राई मसाले जो डाले सारे मसाले अच्छा पक के चिकन में अच्छा फ्लेवर आता। अब इसको हम धीमा कर देंगे, कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट में इसको धीमे फ्लेम पर रखें। 15 मिनट हो गए और जो इसका जो एक्स्ट्रा पानी था, पानी भी इसका सूख गया। जितनी हमको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी उतनी है। अब इसमें हम डालेंगे कोथमीर, हरा धनिया, मुट्ठी भर कोथमीर डालेंगे, इससे इसका जायका और डबल हो जाता। और 2-3 हरी मिर्चियाँ, माशाल्लाह बहुत जायकेदार है। इसके जो फ्लेवर्स, मसालों का फ्लेवर आ रहा सारे घर में, सारे घर में इसकी खुशबू महक रही। आप ज़रूर बनाइए। और फ्लेम को मैं बंद कर दी। इसके जो मसाले हम डाले उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है और इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त है। आप कुछ भी मौके के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं और इसको तंदूरी नान या रुमाली रोटी के साथ या घर के जो गेहूं की रोटी हम डालते हैं उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब शिमला मिर्ची और प्याज को जो फ्राई कर लिए थे, सर्व करते वक्त ये डालना। चलिए, रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई चिकन हमारा तैयार है। माशाल्लाह बहुत जायकेदार बना, ज़रूर बनाइए। इसकी खुशबू सारे घर में महक रही। बिल्कुल आसान तरीके से बनने वाला और जायका में इंशाल्लाह ज़बरदस्त। चलिए, मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।